प्रदेश में सक्रिय मॉनसून तबाही मचाने को उतारू है। कुल्लू जिला में भारी बारिश की वजह से व्यास नदी उफान पर है। नदी नाले लबालब है और व्यास नदी खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है। वहीं नदियों में उफान के चलते व्यास और पार्वती नदी पर बने लारजी और पंडोर डैम से रात के समय पानी छोड़ा जाएगा। इसके चलते प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है। डीएसपी कुल्लू आशीष शर्मा ने बताया कि कुल्लू जिला के पहली कुहल में व्यास नदी में अचानक पानी बढ़ने से दो मजदूर फंस गए थे, लेकिन वक्त रहते दोनों मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। ये पतली कुल आज दोपहर समाचार मिला था कि दो व्यक्ति जो हैं पतली कुल के पास बड़ा नाला का जो है वो जो व्यास रिवर मिलता है उस स्थान पर फंसे हुए हैं। इस सूचना पे पुलिस पार्टी वहाँ पहुँची थी और फिर जो फोरलेन में काम करी कंपनी कावर कंपनी का हाइड्रा मंगवाकर रस्से की मदद से उन दो व्यक्तियों को निकाला गया है। दोनों व्यक्तियों के नाम नंद किशोर और रवि मालूम हुए हैं। ये राजस्थान के जिला सीकर के रहने वाले हैं। कार्य तो ये किया गया है कि जो अखाड़ा बाज़ार के नज़दीक एक टेम्परेरी वैली ब्रिज बनाया गया था उसका जो स्ट्रक्चर है उसके आसपास क्रैक्स की आशंका के चलते उसे बंद किया गया है और लगातार गश्त करके देखा जा रहा है कि कहीं भी यदि सड़क पे उसका प्रभाव दिखता है, कहीं रोड बहने की आशंका होती है तो वहाँ पे जो भी समुचित कार्रवाई होगी वो कर दी जाएगी। जितनी भी जो स्पेशली जो बस्तियाँ हैं जहाँ पे इन दरिया का पानी पहले भी अतीत में घुसता रहा है उन सभी को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं और लगातार जैसा कि मैंने पहले बताया गश्त की जा रही है। कहीं भी ऐसा कोई खतरा महसूस होता है जान माल का तो समुचित कार्रवाई करेंगे। ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो ऊंचे क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण जो बढ़ा है तो वैली ब्रिज का जो पहला हिस्सा है उसको थोड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए ब्रिज को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और ब्यास नदी में पानी बढ़ने के कारण पंडोर डैम में आज रात को 12:30 बजे से 2 बजे तक, यानी कि 18 तारीख रात को 12:30 बजे से 2 बजे सुबह तक फ्लशिंग ऑपरेशन होंगे। तो लोगों को ये जानकारी दी जा रही है कि वो जो भी लोग जो हैं नदी के साथ जिनके घर हैं वो थोड़ा सावधानी रखें और ब्रिज जो है जब तक पानी का स्तर घटता नहीं है और रिपेयर वर्क नहीं जाता तब तक खोला नहीं जाएगा। फिलहाल पार्वती नदी जो है मणिकरण वैली में जो कैचमेंट एरिया है पार्वती का वहाँ पे हल्की बूंदाबांदी रिपोर्ट हुई है और बारिश इस हिसाब से तो नहीं है जितनी कि मनाली से लेके कुल्लू तक जो है ब्यास वैली जो है यहाँ पे जो हुई है कुल्लू वैली में यहाँ पे जो है बारिश थोड़ा ज़्यादा हुआ है तो इसलिए जलस्तर जो है ऊंचे क्षेत्रों में जो है बरसात होने के कारण बढ़ा है। खतरे को देखते हुए इलाके में रहने वाले लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी है और लोगों को व्यास नदी के किनारों से दूर रहने को कहा गया है। साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ डेस्क।